हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज आपको बायोलॉजी वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम C3 साइकिल को पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज़ बेसिकली ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच लाइट इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड। लाइट क्या होती है? फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो वो था फोटोसिंथेसिस, जिसमें फूड का सिंथेसिस हो रहा था। वो कितनी प्रोसेस से था, तो उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को हमने पढ़ा था। उसी को हम फर्दर स्टडी करते हुए C3 साइकिल को पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये C3 साइकिल क्या था या केल्विन साइकिल क्या था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बहुत ही ब्रीफली। केल्विन साइकिल को CBB साइकिल, यानी केल्विन और उसके जो साथी थे, उसके साथ जो उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, तो उसमें थे बेंसन और हमारे ये बैशम। तो इसलिए इन्हें केल्विन, बेंसन और बैशम जो CBB साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुगर जो रहता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये C3 साइकिल था शुगर के फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखिए, C3 साइकिल जो था वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा था। वो था कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। फर्स्ट इज़ कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज़ रिडक्शन एंड थर्ड वन इज़ रीजनरेशन। तो इसमें जो राइबोज 1,5-bis फॉस्फेट था, वो CO2 से ऐड होकर उसका जो कार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस हो रही थी, उसके बाद रिडक्शन हो रहा था, उसको हम अभी देखते हैं। तो राइबोज 1,5-diphosphate या बिस फॉस्फेट जो था, वो CO2 के साथ ऐड होके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, और यही NADPH जो था यहाँ पे NADP में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है, और ATP जो रहता है वो ADP प्लस एक फॉस्फोरस रिलीज़ करता है। इसके बाद ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होके फ्रक्टोज 1,6-diphosphate में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी के साथ अदर कार्बोहाइड्रेट्स को ये रिलीज़ करता है। इसके बाद क्या होता है, ये फ्रक्टोज 1,6-diphosphate इंटरमीडिएट शुगर फॉस्फेट बनाता है, जो कि हमारा सुक्रोज या स्टार्च रहते हैं, और इसके बाद में राइबोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, एक ATP और ADP, जो ATP रहता है वो ADP प्लस IP में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये जो एक साइकिल होता है, ये C3 साइकिल है, जो C3 प्लांट्स में मिलता है। और इस साइकिल से क्या होता है, हमें शुगर जो होती है वो मिलती है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है किसी भी प्लांट का शुगर के लिए, वो रहता है हमारा सुक्रोज। ओके, तो ये हमारी C3 साइकिल थी, जहाँ तक हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे C4 पाथवे या C4 साइकिल के बारे में। तो C4 साइकिल क्या है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ द अल्टरनेट पाथवे ऑफ C3 साइकिल टू फिक्स CO2, यानी CO2 के फिक्सेशन के लिए ही C3 का यूज़ किया जाता है। और यहाँ ये अल्टरनेट पाथवे है, जहाँ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, C3 पाथवे को यूज़ किया जाता है और कुछ में C4 को। ओके, इन दिस साइकिल द फर्स्ट फॉर्म स्टेबल कंपाउंड इज़ ए 4-carbon कंपाउंड नॉन एज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। C3 साइकिल में 3-carbon का स्टेबल कंपाउंड बन रहा था फर्स्ट, जो कि था 3PGA 3-phosphoglyceric एसिड। और C4 साइकिल में क्या है, ये है 4-carbon का स्टेबल कंपाउंड, जिसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहते हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, हैंस इट इज़ कॉल्ड C4 साइकिल। तो इसलिए क्या हो गया कि इसको C4 साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में C3 जो साइकिल शो किया जाता है, कुछ प्लांट्स में C4। जिन प्लांट्स में C3 किया जाता है उन्हें C3 प्लांट्स, और उस पाथवे को जो प्रोसेस होती है पूरी, उसे C3 पाथवे कहा जाता है। और जिन प्लांट्स में 4-carbon का स्टेबल कंपाउंड मिलता है, उसे C4 प्लांट्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को जो पाथवे होता है, उसे C4 पाथवे कहते हैं। ओके, तो आज हम जो ये C4 साइकिल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। आगे C3 साइकिल जो हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसमें हमने एंड जो हमारे एनर्जी के लिए मॉलिक्यूल्स थे ATP और NADPH, वो 12 NADPH और 18 ATP रिलीज़ हुए थे, जो हमारे एनर्जी पैकेट्स थे। तो आज हम सो फार वी हैव लर्न अबाउट केल्विन साइकिल इन C3 प्लांट्स, वेयर C3PGA इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलेशन। लेट्स नाउ स्टडी कार्बन फिक्सेशन इन प्लांट्स दैट हैव द फर्स्ट प्रोडक्ट इन केल्विन साइकिल एज
फोर कार्बन. ओके, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स एंड द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज कॉल्ड द C4 पाथवे. द C4 पाथवे वॉज डिस्कवर्ड बाय द हैच एंड स्लैक. हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, इसी वजह से हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैच एंड स्लैक पाथवे. C3 जो साइकिल था वो कैल्विन साइकिल के नाम से था, और जो C4 साइकिल है उसे हैच एंड स्लैक साइकिल या पाथवे कहते हैं. दोनों ही कार्बन फिक्से कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसके फिक्सेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो आगे जो ये पाथवे है इसे हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था. द पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड हैच एंड स्लैक एज दे वर्क आउट द पाथवे इन 1966 में हैच एंड स्लैक ने इसे डिस्कवर किया था. इसी के नाम पे इन्हीं के नाम पे इस साइकिल का नाम हैच एंड स्लैक साइकिल और हैच एंड स्लैक पाथवे रखा गया. दिस पाथवे इज कॉमनली सीन इन मैनी ग्रासेस शुगर कैन मेज सॉर्गम एंड एमरेंथस. जो ये प्लांट्स हैं कुछ बताए गए हैं जिसमें मेज़ पे ये एक्सपेरिमेंट शुगर कैन एंड मेज़ पे हुए थे. प्लांट्स अब देखिए जो C4 प्लांट्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखिए C4 प्लांट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई एरिया एंड आर अडेप्टेड टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड कैन रेस्पोंड टू हाई लाइट इंटेंसिटी. तो ये क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय जिस टाइप के जो एरियाज़ होते हैं हॉट एंड ड्राई वहाँ पे ये मिलते हैं. और जो हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी ये सब क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, और जो इनका फर्स्ट जो CO2 फिक्सेशन के बाद में फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड रहता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रहता है. ओके, और C3 पाथवे से ये थोड़े से अलग होते हैं. जो ये C3 प्लांट्स होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं. तो इनमें ऐसा क्या होता है, तो जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें एक जो लीव्स होती हैं इन प्लांट्स की इनमें क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है वो पाई जाती है. अभी क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है तो अब हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं प्लांट्स के. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट. द C4 प्लांट शो ए डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी. द क्लोरोप्लास्ट आर डेमोग्राफिक इन नेचर. इन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीट ऑफ लार्जर पैरेन्काइमेटस सेल्स. तो ये जो बंडल शीट होते हैं उसे पुलच्छद की सेल्स बोलते हैं. अब देखिए एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट लीव कि जो ये एनाटॉमी थी वो कैसी रहती है. द लार्ज सेल्स प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 पाथवे प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स. बंडल शीट सेल्स क्या होती हैं कि जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो राउंड टाइप में जो पूरे चारों तरफ मोटी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं बंडल शीट सेल्स. द लीव्स विच हैव सच एनाटॉमी आर सेड टू हैव क्रेंच एनाटॉमी. इस टाइप की एनाटॉमी जो प्रेजेंट रहती है लीव्स में उसे क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं. द बंडल शीट सेल्स मे फ्रॉम सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स दे आर कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग. तो अब देखिए क्या है इसके, ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं. थिक वॉल्स अनअफेक्टेड बाय गैसेज एक्सचेंज. जो गैसेज एक्सचेंज के लिए रहती हैं वो जो वॉल्स रहती हैं वो अफेक्ट नहीं करती हैं, अनअफेक्टेड रहती हैं. नो इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर यानी सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होता है. तो इतने ये जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं तभी क्या होती है ये क्रेंच एनाटॉमी शो करते हैं. तो ये कौन से प्लांट्स होते हैं, वो C4 प्लांट्स होते हैं जिसमें मेज़ और शुगर कैन एग्जाम्पल रहते हैं. ये C4 पाथवे है जो कि C3 से मतलब इसमें C3 साइकिल भी साथ साथ में चलता है, उसके बाद C4 साइकिल स्टार्ट हो जाता है. ये हमारा मेसोफिल सेल रहेगा, यहाँ हमारा बंडल शीट सेल रहेगा. ओके, ये दोनों पार्ट में क्या होती है, C4 पाथवे पूरा साइकिल परफॉर्म किया जाता है. अब देखिए कि होता क्या है.
ये मैकेनिज्म है सी फोर पाथवे की। द फर्स्ट स्टेप इज़ द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फोस्फोइनोल पायरुवेट बाय यूटिलाइजिंग एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। अब एंजाइम देखिए, पायरुवेट फोस्फोडाई काइनेज। फोस्फोइनोल पायरुवेट ए थ्री कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फ्रॉम ऑक्सैलो एसीटेट ए फोर कार्बन कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसमें क्या होता है कि ये जो थ्री कार्बन का कंपाउंड होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ ऐड होकर ये बना लेता है ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि चार कार्बन का कंपाउंड होता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये किसके थ्रू की जाती है, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, C3 साइकिल में राइबुलो रूबिस्को जो था वो प्रेजेंट था, बट इसमें नहीं होता है क्योंकि रूबिस्को इज़ एब्सेंट इन मेसोफिल ऑफ C4 प्लांट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेसोफिल सेल रहती हैं और ये वाली प्रोसेस जो रहती है ये बंडल शीट सेल में होती है। तो अभी ये जो प्रोसेस है ये मेसोफिल सेल में चल रही है C4 साइकिल की, ओके। तो यहाँ पर जो रहता है रूबिस्को एब्सेंट होता है। तो अभी तक हमारा ये ऑक्सैलो एसीटेट जो क्या हो गया, बन गया। ऑक्सैलो एसीटेट इज़ क्विकली कन्वर्टेड आइदर मैलेट और एस्पिरेट। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये मैलेट में कन्वर्ट हो सकता है या एस्पिरेट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे मैलेट में कन्वर्ट हुआ है, ओके। एंड इट्स ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखिए जो ये मेम्ब्रेन जो रहेंगी दो, ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है इसे कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है ये, प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू ये जो मैलेट बना है ये ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसको, बंडल शीट सेल को। और बंडल शीट सेल में ये मैलेट हमारा आ गया, यहाँ पे मेसोफिल सेल में था क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल में, यहाँ पे बंडल शीट सेल में अब हमारा मैलेट आ गया। तो अब क्या होगा, आफ्टर दैट इट इज़ डी कार्बोक्सीलेटेड। अब इसमें क्या होगा कि इसका डी कार्बोक्सीलेशन होगा बैक टू पायरुवेट। इसके बाद में डी कार्बोक्सीलेशन के बाद में क्या हुआ, ये पायरुवेट में वापस कन्वर्ट हो गया। डी कार्बोक्सीलेशन रिजल्ट्स इन द रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल सेल। तो क्या होगा कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो पायरुवेट था वो बनने के बाद में वापस मेसोफिल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वापस भेज दिया जाएगा। तो C4 साइकिल में क्या हुआ कि जो पायरुवेट था वो फोस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो गया। फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू क्या हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में चेंज हुआ, और जो मैलेट था वो मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में आया किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, सॉरी, इसमें क्या हुआ कि मैलेट में आने के बाद में क्या हुआ कि मैलेट वापस से डीकार्बोक्सिलेट होने के बाद में पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, और ये पायरुवेट वापस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो मेसोफिल सेल्स था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये केल्विन साइकिल परफॉर्म किया जाता है बंडल शीट सेल में, और इसके बाद में वापस C4 साइकिल में ये स्टार्ट कर देता है। तो देन द साइकिल ऑफ कार्बोक्सिलेशन इज री इनिशिएटेड। यहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ, मेसोफिल सेल में वापस पायरुवेट जो पहुँचा तो ये री इनिशिएटेड हो गई वापस से ये सारी प्रोसेस। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये पूरी प्रोसेस जो एक लीनियर डायग्राम के थ्रू आपको शो की जा रही है, फोस्फोइनोल पायरुवेट था जो CO2 के एडिशन के बाद में देखिए कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट या तो
एस्पार्टेट में चेंज होगा या मैलेट में, ठीक है। एनएडीपी जो था वो एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाएगा एक हाइड्रोजन आयन लेके। अब ये मैलेट क्या होता है, मेसोफिल सेल से ट्रांसफ़र किया जाता है मैलेट को बंडल शीट सेल में, और यहाँ पे क्या होता है CO2 का क्या होता है डी, यहाँ पे क्या होता है डी कार्बोक्सीलेट जो हो जाता है डी कार्बोक्सीलेशन, ठीक है। ये देखिए कैल्विन साइकिल पूरा राइबुलोज बिस फॉस्फेट, ये कार्बोहाइड्रेट जो हमारा सी थ्री साइकिल में प्रोडक्ट जो रहता है वो रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद में जो एमेलेट था ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है CO2 रिलीज़ करने के बाद में, और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पाइरुवेट को वापस मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में वापस आने के बाद री इनिशिएट हो जाती है सारी प्रोसेस जो C4 साइकिल की रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि C4 साइकिल जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब C4 साइकिल में ATP कितने यूज़ होते हैं, तो 30 ATP एज पर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में जब हम इसको देखते हैं तो C3 पाथवे में 18 ATPs और C4 पाथवे में 30 ATPs यूज़ होते हैं। द C4 पाथवे इज़ ए लिटिल एक्सपेंसिव कंपेरिजन टू द C3 पाथवे, जो C4 पाथवे था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है C3 पाथवे की कंपेरिजन में, क्योंकि वहाँ पे 18 ATP यूज़ हो रहे थे एनर्जी के लिए, जितनी प्रोसेस हो रही थी यहाँ पे 30 रहते हैं, ओके। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, तो आता है हमारा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि फोटोन से रेस्पिरेशन होना, श्वसन होना, यानी प्रकाश श्वसन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, इट इज़ ए द लाइट डिपेंड प्रोसेस, जो लाइट डिपेंडिंग प्रोसेस रहती है ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP एंड रिलीजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज फ्रॉम 2-3% टू 21%। जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो इसकी रेट क्या हो जाती है, 2-3% से डायरेक्ट 21% पर चली जाती है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, द हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द बाइंडिंग ऑफ रूबिस्को एंजाइम विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। अब देखिए कैसे बाइंड करता है, तो ये जो हमने बीपी था वो रूबिस्को में चेंज हुआ था, आपको ध्यान होगा रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के बाद में, तो रूबिस्को प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 जो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज हो जाते हैं। दिस पाथवे इन्वॉल्व्स क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन डू नॉट अकर इन C4 प्लांट्स, जो C4 प्लांट्स हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ये ही क्या है आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आप कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट रहता है अफेक्ट ऑफ लाइट, सेकंड वन इज अफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, थर्ड वन इज अफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड फोर्थ अफेक्ट्स ऑफ वाटर। तो ये फोर फैक्टर्स रहते हैं। तो अब देखिए लाइट क्या करता है, लाइट जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी इंक्रीज होगी, ओके, जहाँ तक सैचुरेशन जो पॉइंट आएगा वहाँ तक। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, ठीक है। और टेम्परेचर में क्या होगा, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली बट एट हायर टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड। ज़्यादा हाई एनर्जी पे जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ रहती हैं वो रुक जाती हैं ड्यू टू डीनेचुरेशन
ऑफ एंजाइम्स विच अफेक्ट्स द डार्क रिएक्शन, जो कि क्या होती है, डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो वाटर, वाटर कैसे अफेक्ट करता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इन अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की अमाउंट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट इंक्रीज, क्यों, क्योंकि जो लीव्स में या प्लांट में वाटर का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होने लगेगा, तो प्लांट्स में क्या होगा, मॉइस्चर हद से ज़्यादा होने लगेगा, तो प्लांट के जो है वो गल जाने, जो ख़त्म होने की क्या होती है, कंडीशंस डेवलप होने लगती हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट इंक्रीजेस, ओके, प्रोपोर्शनली एज आफ्टर सैचुरेशन नो मोर वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये ग्राफ है जो लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है, जहाँ पे क्या होगा कि लाइट इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आने पे ये स्टेबल हो जाते हैं। तो जो C4 पाथवे हमने पढ़ा और उससे पहले C3 पाथवे पढ़ा था, इनमें डिफ्रेंस क्या है, क्यों इनको अलग अलग हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इनमें ऐसा क्या है कि एक ही तरह का हो सकता था शायद C3 या C4, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या रहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग स्टडी करना होता है। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, द लीव्स डू नॉट हैव क्रैंज एनाटॉमी, जो कि बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रैंज एनाटॉमी जो रहती है C3 प्लांट्स में एब्सेंट होती है और C4 प्लांट्स की लीव्स में ये प्रेजेंट होती है। फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स, जो कि C3 प्लांट्स हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है, और फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स। रूबिस्को इज़ द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2, जो इसमें C3 प्लांट्स थे उसमें रूबिस्को जो था वो फर्स्ट एक्सेप्टर था CO2 के लिए, और जो C4 प्लांट्स है उसमें PEP जो रहता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, यहाँ पे क्या है, ये CO2 के लिए फर्स्ट एक्सेप्टर है। फिफ्थ देखिए, प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ऑल क्लाइमेट्स, C3 प्लांट्स जो रहते हैं वो सभी तरह के क्लाइमेट में एडेप्टेशन की जो प्रोसेस रहती है उनमें अच्छी होती है, यानी किसी भी माहौल में वो एटमॉस्फेयर में ढल सकते हैं इजीली। इसमें क्या होगा कि प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे क्या होगा, ओनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होगा जहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, वहाँ पे क्या होगा इनका एडेप्टेशन होगा। जो देखिए 4 पॉइंट, PGA इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो रहता है 3 कार्बन का कंपाउंड रहता है, स्टेबल और फर्स्ट प्रोडक्ट रहता है, इसमें जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है C4 प्लांट्स में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C3 प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स रहती हैं वो परफॉर्म कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है मीजोफिल सेल्स में ही सारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, लेकिन C4 प्लांट्स में क्या होता है, मीजोफिल सेल्स परफॉर्म ओनली इनिशियल फिक्सेशन, इनिशियल फिक्सेशन में ही मीजोफिल सेल्स आती हैं, बाकी का सारा वर्क क्या होता है वो बंडल शीट सेल में होता है। तो ये थे इन दोनों में डिफरेंस, और C4 पाथवे और C3 पाथवे, इसके बाद में फोटो रेस्पिरेशन। अब आज के लेक्चर से मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ आपसे, विच एंजाइम हेल्प इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP इन द केल्विन साइकिल, कौन सा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन होता है RUBP का केल्विन साइकिल में तो उसको हेल्प करता है। विच इज़ द फर्स्ट शुगर या कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट शुगर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है। एंड लास्ट वन इज़ व्हाई द फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट फाउंड इन C4 प्लांट्स, ऐसा क्या होता है कि C4 प्लांट्स में जो रहता है वो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आपसे करती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स भेजेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इनके आंसर्स आपको डिटेल में बता दूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, please subscribe my channel scholars and curious, tap the bell icon to get new video notification and like my video, thank you, stay home, stay safe।